मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, मेरा नाम है वांगेला पायल और आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो है कक्षा 8 में विषय हिंदी, जिसमें हमारा जो टॉपिक है सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसके बारे में हमने आगे के क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के, जो हमारी इकाई है जिसका नाम है, तो यह जो प्रस्तुत इकाई है जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकी जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह जो प्रस्तुत का इकाई है, एकम है, जिसमें जो डॉक्टर कलाम है, जो जिनसे स्कूल के यानी छात्र जो है वो सारे प्रश्न पूछते हैं और जो अब्दुल कलाम जो जवाब देते हैं, यह पूरी इकाई में हमें प्रश्न और उत्तर इस प्रकार का साक्षात्कार यानी कि जो हकीकत की बात है वो हमें इस इकाई में सिखाई गई है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। यह जो अब्दुल कलाम थे, जिनको छोटे बच्चे थे वो बहुत ही पसंद थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में मिलना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता। इसके लिए वो स्कूल पर जाते और वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे होते उनसे कई सारे खेल खेलते और बातचीत करते। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते। छोटे बच्चे जब उनसे प्रश्न करते कुछ नया जानने, हम जानते हैं कि बच्चों को हमेशा नया नया जानने की उत्सुकता होती है, तो उस उत्सुकता के जिज्ञासाओं के आधार पर जो भी प्रश्न वो बच्चे पूछते हैं उसका उत्तर अब्दुल कलाम तुरंत ही देने के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो हमने यह इकाई है थोड़ी बहुत चर्चा उसकी की थी। अब हम आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए जिसमें पेज नंबर 29 पर हम पहुंचे थे, जहाँ पर प्रश्न करता है अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। मुंबई का जो लड़का है, जो कितनी कक्षा में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो है चंदूलाल विद्या मंदिर जहाँ पर वो पढ़ता था और उसका नाम था अर्श पटेल, वो प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम से कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। वो बच्चा पूछता है अब्दुल कलाम से कि हम अगर आपके जैसे बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। हर ऐसे इंसान जो अपने उच्च पद पर हो उसकी तरह ही हम बनने की कोशिश करेंगे कि हमें भी इस प्रकार ऐसा कुछ बड़ा बनना है और अपना नाम रोशन करना है। इसी प्रकार यह जो छोटा बच्चा था 5वीं कक्षा का, वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना होगा। तो जो डॉक्टर कलाम है वो उत्तर देते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखे तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर कलाम जो है वो कहते हैं कि जब हम युवा अवस्था में प्रारंभ हमारा युवा अवस्था में होता है तभी हमें क्या कर लेना चाहिए कि हमें जीवन में जो जिस दिशा में जाना है यानी कि हमें पुलिस बनना है, तो उस प्रकार
तैयारी करेंगे। अगर हमें शिक्षक बनना है तो उस प्रकार की तैयारी करेंगे, यानी कि जब हम युवा अवस्था में आए तभी से हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, यानी कि हमारा लक्ष्य जो है उसे हमें निश्चित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, यहाँ पर डॉक्टर कलाम कहते हैं हमेशा कैसा सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो, क्योंकि जो पीछे पड़े रहते हैं उन लोगों को कोई भी नहीं देखता। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। आप जब निश्चय कर लो कि हमें जीवन में क्या बनना है, अगर हम वो बनना जिस दिशा में हमें जाने, यानी कि हमें बड़े होकर जो भी बनना है उस दिशा में हमें जाना चाहिए और उसी प्रकार की शिक्षा और श्रम प्रारंभ कर देना चाहिए कि उसी प्रकार का हमें शिक्षक बनना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कॉलेज पूर्ण कर देंगे, उसके बाद बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, उस प्रकार हम शिक्षक बन सकेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें कि जब हम बड़े हो तो हमें अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए और जिस दिशा में हमें जाना है, जिस लक्ष्य को हमने निश्चित किया है उस दिशा में जाने के लिए उसी प्रकार का श्रम और शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जी तोड़ मेहनत करो, तो जी तोड़ मेहनत करो ये एक मुहावरा है। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत और हमें इस प्रकार का मुहावरा दिया गया हो, परीक्षा में हमें क्या दिया गया होता है, इस प्रकार का मुहावरा दिया गया होता है और हमें ऊपर सूचना लिखी होती है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले तो जीतोड़ मेहनत करना, उसका मुहावरे का अर्थ लिखिए हमने कि जीतोड़ मेहनत करना जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। अब हमें क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है कि यह धंधा जमाने के लिए
नन्ही जी की छपराना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही जी की छपराना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, लेकिन अंत में कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वो अंत में वो जो चिड़िया थी जितनी छोटी है वो बार बार दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। लेकिन हम तो क्या है, इतने अच्छे भगवान ने हमें मनुष्य का अवतार दिया है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे सामने कोई भी मुश्किल आए तो उसका सामना अवश्य ही हमें करना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या चाहे जो भी हो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। महारत हासिल करना एक मुहावरा है जिसका करनी चाहिए। तो यह था दूसरा मुहावरा जो हमारे इकाई में दिया गया है, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। यानी कि हमें क्या कहा गया है कि हमें हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पराजित करने की योग्यता हमारे अंदर प्राप्त होनी चाहिए कि जीवन में कोई भी मुश्किल आए तो हम उसका सामना अच्छी तरह से कर सके, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। कोई भी मुश्किल हमारे सामने आए तो हम तो उस मुश्किल का सामना कर सके, ऐसी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यह पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहले क्या जरूरी है कि हमें हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, हमें ज्ञान की दिशा में ही जाना चाहिए, तभी हम ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आज के युग में तो आप जानते ही हो कि जो आधुनिक युग दिन ब दिन बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है वैज्ञानिक तकनीकों के, तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ हमारे अंदर ज्ञान तो होना चाहिए ना, कुछ नया नया सीखने हमें चाहिए, तो हमें निरंतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न करता है, यहाँ पर हमने सीखा कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, तो कलाम ने क्या जवाब दिया कि अगर हमें उनकी तरह बनना है तो हम जिस दिशा को हमें पहले तो निश्चय कर लेना है, लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, उसके बाद क्या करना है कि जिस दिशा में हमें जाना है उसी दिशा का जो शिक्षा और क्या श्रम यानी कि परिश्रम, हमें उसी दिशा में जाना है तो उसी दिशा का दूसरा दिशा की शिक्षा और हमारे अंदर उसी प्रकार का ज्ञान ले लेना चाहिए और
लक्ष्य है वो प्राप्त करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कई सारी मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किल का सामना करके हमें आगे बढ़ना है और हमारे अंदर हर मुश्किल को सहन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। यहाँ पर कभी हम कैसे बन सकते हैं डॉक्टर कलाम के जैसे इंसान बन सकते हैं, उसके आगे का प्रश्न देखो। जीरा विजय कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी मुंबई, मुंबई का लड़का है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल में वो पढ़ता है। वो प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम उसको उत्तर देते हैं कि भारत को सन यानी इसी सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यहाँ पर हमें डॉक्टर कलाम ने बताई है कि 2020 तक एक विकसित हमारे राष्ट्र को कैसा बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और कई हम जानते हैं कि हमारे भारत में कई सारी बस्ती है, कई सारे लोग बसते हैं, तो सभी नागरिकों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। अगर हमारा देश विकसित होगा तो सभी लोगों के मुख पर मुस्कान आ ही जाएगी और यही राष्ट्र के समक्ष, यही हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आगे का प्रश्न देखो कि हर्ष चांडव कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई, लड़का कौन सा है हर्ष चांडव, कौन सी कक्षा में पढ़ता है तो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और कौन सी स्कूल में पढ़ता है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई में वो पढ़ता है। आपकी दृष्टि में सामर्थ्य की परिभाषा क्या है, वो बच्चा जो है वो कलाम से पूछता है कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम जो है वो कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यहाँ पर डॉक्टर कलाम से वो लड़का पूछता है कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या, यानी कि साहस यानी क्या है आपकी दृष्टि से। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे व्यक्तियों की मदद करना, अपनी जान की परवाह किए बिना हमें क्या होता है उसकी परवाह नहीं करनी, लेकिन तब फिर भी हमें दूसरे व्यक्ति की मदद करनी, वही क्या है साहस है। प्रश्न करता है तरुण पटेल कक्षा 8 का विद्यार्थी है जो स्वामीनारायण इंडिपेंडेंस स्कूल लंदन में पढ़ता है, जो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। हम प्रवासी यानी कि वो लंदन का लड़का है तो वो कहता है पूछता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना, हम भारत के नहीं है लेकिन हम उस वहाँ पर प्रवास के लिए आए, घूमने आए हैं, तो हम गर्व कैसे करें कि भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम जो है वो उत्तर देते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहत भारतीय परिवार का अंग है, यानी कि भारतीय जिसका मूल भारत हो, भारत से हो, वो व्यक्ति भारत परिवार का अंग है, जिसकी मातृभूमि भले ही भारत ना हो लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य भारत का हो फिर भी वो भारत का अंग कहलाता है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। वो भारत का नागरिक भले ही ना हो लेकिन फिर भी वो भारत का अंग कहा कह सकते हैं, उसको सांस्कृतिक भारत की जो विरासत है जिस पर गर्व होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यहाँ पर डॉक्टर कलाम जो है उस लड़के से कहते हैं कि सौभाग्य से आप
रहनी आपके लिए गौरव की बात है। आपकी आपकी मातृभूमि जो है जिसके साथ आप अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जो वो ही आपके लिए गर्व की बात है। आगे का प्रश्न देखो कि सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर, कौन सा लड़का है सत्यम जो कक्षा 10 में पढ़ता है जिला स्कूल मंगे नाम की स्कूल है, जिला स्कूल वहाँ पर वो पढ़ता है और वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? आप जानते हो कि आज का जो युवा लड़का है वो क्या बनना चाहेगा? किसान मजदूर नहीं बनना चाहेगा, वो हमेशा ऐसा ही सोचेगा कि उसके मम्मी पापा भी ऐसा सोचेंगे कि हमारा लड़का क्या बनना चाहिए, बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या फिर वैज्ञानिक बनना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो लड़का है 10वीं कक्षा का, वो प्रश्न पूछता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर किसान मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे राष्ट्र के विकास में कलाकार, मजदूर, किसान, इन सभी का महत्व, उनके विकास में उन सभी का भी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे परिवारों में से आते हैं कि वो किसान मजदूर या फिर कलाकार के बच्चे हैं? डॉक्टर कलाम से जवाब देता है तो वो बच्चे से कहते हैं कि किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार ये भी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। डॉक्टर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक ये तो राष्ट्र के विकास के अंग तो है ही, उसके साथ साथ किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार ये सभी भी राष्ट्र के एक अच्छे से अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी कि इन सब राष्ट्र की उन्नति के लिए सभी लोगों की आवश्यकता है। सभी लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य करते ही है जिससे हमारे देश की उन्नति होती है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करिए। सभी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हम भी हमारे क्षेत्र में, या फिर किसान हो तो किसान क्या चाहेगा कि हम हमारे जो किसान जो खेती है पाक है वो अच्छे से पाक बने और अच्छा सा पाक बने, तभी तो वो सारी दुनिया को अपना अनाज हम सभी को किसान ही पूरा पाड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो कहते हैं डॉक्टर कलाम की भारत हमारे देश की उन्नति के लिए किसान मजदूर कलाकार दस्तकार इंजीनियर डॉक्टर और वैज्ञानिक सभी हमारे देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भाग भजते हैं। तो छात्रों यहाँ पर यह इकाई में रखती हूँ, आगे के टास्क में हम फिर से उसकी चर्चा करेंगे और आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ कि आपको होमवर्क में स्वाध्याय के जो पहला प्रश्न तो मैंने आपको दिया ही था, तो अभ्यास का मैंने पहला प्रश्न दिया होगा शायद, तो अभ्यास का पहला प्रश्न दिया हो तो उसका दूसरा प्रश्न आपको लिखना है कि परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए, वो आपको लिखना है। और आगे का होमवर्क मैं आपको आगे क्लास में दूंगी। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो बारंबार देखते रहिए और घर पर बैठे बैठे पढ़ते रहिए। तो आगे के क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक अलविदा छात्रों।